उद्देश्य। इस शिक्षण मॉड्यूल के अध्ययन के पश्चात छात्र व्यवसाय की विभिन्न अवधारणाओं की परिभाषा और व्याख्या करने में, विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक उपक्रमों, विभागीय निगमों, वैधानिक संगठनों, संयुक्त उपक्रमों, सरकारी कंपनियों की विशेषताओं को स्पष्ट करने में, सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करने में, भूमंडलीय या बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विशेषताओं को स्पष्ट करने में, संयुक्त उपक्रमों के लाभों का मूल्यांकन करने में, पीपीपी की विशेषताओं, गुणों और अवगुणों को परिभाषित करने में। परिचय। व्यावसायिक संगठन विभिन्न प्रकार के होते हैं। अर्थव्यवस्था को दो अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है, सार्वजनिक और निजी। कई प्रकार के व्यावसायिक संगठन और संस्थाएं हैं। उनमें से कुछ छोटे स्तर के हैं और कुछ बड़े स्तर पर कार्य करते हैं। कुछ निजी स्वामित्व में हैं, वहीं कुछ भारत सरकार के स्वामित्व में हैं। ये सभी संगठन हमारी दैनिक आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही सम्मिलित हैं, इसलिए ये मिश्रित अर्थव्यवस्था बन जाती है। भारत सरकार और मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत सरकार ने भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को ही सफलतापूर्वक परिचालन करने और भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में योगदान देने की अनुमति दी है। इसके लिए सरकार भी समय समय पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के कार्य निष्पादन में वृद्धि के लिए आवश्यक उपायों पर विचार करने के लिए औद्योगिक नीति प्रस्तावों की योजना बनाती है। सरकार की नीति। 1948 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित था। 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव वृद्धि दर और औद्योगिक प्रगति की दर में तेजी लाने के उद्देश्य पर केंद्रित था। वहीं दूसरी ओर 1991 का औद्योगिक प्रस्ताव सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश और निजी क्षेत्र में लचीलापन लाने के लिए तैयार किया गया था। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभिन्न प्रकार। सार्वजनिक क्षेत्र को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, विभागीय उपक्रम, वैधानिक कंपनियां, सरकारी कंपनियां। वहीं निजी क्षेत्र में कई श्रेणियां सम्मिलित हैं, एकल स्वामित्व, साझेदारी फर्में, संयुक्त हिंदू परिवार, सहकारी एजेंसियां, कंपनी, सार्वजनिक लिमिटेड और निजी लिमिटेड, और भूमंडलीय कंपनियां, जिन्हें ब्रांड के रूप में जाना जाता है। विभागीय उपक्रम। सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के प्रकार। सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन तीन प्रकार के हैं, विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम, सरकारी कंपनी। विभागीय उपक्रम मंत्रालय का ही एक भाग या विस्तार होते हैं, भारत सरकार द्वारा संचालित होते हैं और इनके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते हैं। केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं। विभागीय उपक्रमों का उदाहरण डाक एवं तार विभाग हैं। विभागीय उपक्रमों की विशेषताएं। वित्त पोषण सरकारी खजाने से किया जाता है। राजस्व अर्जन और बजट आवंटन भी
सरकारी खजाने से जुड़ा होता है। सरकार कर्मचारियों की भर्ती और नियंत्रण करती है। संबंधित मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विभागीय उपक्रमों के लाभ। ये विभाग उच्च स्तर की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। इनके परिचालनों पर संसद का प्रभावी नियंत्रण होता है, क्योंकि इनका राजस्व सीधे सरकारी खजाने में जाता है, इसलिए ऐसे विभाग आय का बड़ा स्रोत होते हैं। संबंधित मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होने से इनके प्रभावी परिचालन से राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावी ढंग से संबंधित होती है। विभागीय उपक्रमों की सीमाएं या हानियां। लचीलेपन का अभाव, पेशेवर प्रबंधन का अभाव, व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने में अक्षम, स्वायत्तता का अभाव, राजनीतिक विचारधाराओं से संचालित होते हैं, अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, उपभोक्ताओं को अपर्याप्त सेवा। वैधानिक निगम। परिभाषा। वैधानिक निगम वे सरकारी उद्यम हैं जिन्हें संसद के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है। सरकार की शक्तियां होने से इन वैधानिक निगमों में निजी उद्यमों जैसा लचीलापन होता है। वैधानिक निगमों की विशेषताएं। संसद के प्रावधानों द्वारा स्थापित और नियंत्रित किए जाते हैं, राज्य के स्वामित्व में होते हैं और राज्य सरकार के पास हानि और लाभ का ध्यान रखने का भी प्राधिकार होता है। सरकार से ऋण और राजस्व से धन जुटाते हैं, स्वयं इसके संबंध में बनाए गए अधिनियम के अनुसार कर्मचारी भर्ती और नियंत्रित किए जाते हैं। वैधानिक निगमों के लाभ। इस प्रकार के संगठनों के पास उच्च स्तर की स्वतंत्रता और परिचालन संबंधी लचीलापन होता है। सरकार इनके वित्तीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। ये स्वायत्त संगठन होते हैं और अपनी नीतियां स्वयं निर्धारित करते हैं। इन संगठनों में निजी उद्यमों की पहल के अनुसार सरकार की शक्ति निहित होती है। वैधानिक निगमों की सीमाएं। वास्तव में इनमें उतना लचीलापन नहीं होता है। सरकारी और राजनीतिक हस्तक्षेप देखने में आता है। जहां भी जनता से लेन देन की बात आती है, वहां भ्रष्टाचार आम है। सरकार में निगमों में सलाहकार नियुक्त करने की प्रथा है, जो इन निगमों के निर्णयों और परिचालन की स्वतंत्रता को न्यूनतम कर देते हैं। सरकारी कंपनियां। परिभाषा। सरकारी कंपनी की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत की जाती है। इनकी 51% चुकता अंश पूंजी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन होती है। इसका गठन सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी या निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में किया जा सकता है। इस प्रकार की कंपनी के अंश भारत के राष्ट्रपति के नाम पर खरीदे जाते हैं। सरकारी कंपनी की विशेषताएं। कंपनी किसी भी अन्य पक्ष के विरुद्ध किसी भी न्यायिक अदालत में अभियोजन ला सकती है और उस पर भी अभियोजन लाया जा सकता है। वो अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकती है और अपने नाम पर संपत्ति खरीद सकती है। किसी भी अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी की भांति सरकारी उद्यम का भी प्रबंधन कंपनी अधिनियम के प्रावधानों से नियंत्रित होता है।
इन उद्यमों को लेखा परीक्षा और लेखांकन नियमों से मुक्त रखा जा सकता है। वित्त व्यवस्था सरकारी अंशधारिता से की जाती है। सरकारी कंपनी के लाभ। कंपनी अधिनियम की आवश्यकताएं पूरी करके कंपनी की स्थापना की जा सकती है और अलग संसदीय अधिनियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। निर्णय व्यावसायिक विवेक से लिए जाते हैं। ये कंपनियां किफायती कीमत पर वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करके अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं पर अंकुश लगा सकती हैं। सरकारी कंपनी की सीमाएं। चूंकि सरकार ही एकमात्र अंशधारक होती है, कंपनी अधिनियम की अधिक प्रासंगिकता नहीं होती है। कंपनी संवैधानिक उत्तरदायित्व से बच निकलती है क्योंकि कंपनी संसद के प्रति सीधे उत्तरदायी नहीं होती है। प्रबंधन सरकार के हाथों में ही होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। मूलभूत ढांचे का विकास। सड़क, समुद्र, रेल और वायु परिवहन का विस्तार हुआ और इसने औद्योगिकरण और भविष्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों को बुनियादी ढांचा और निवेश प्रदान किया। क्षेत्रीय संतुलन। 1951 के पश्चात सरकार ने विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की जो पिछड़ रहे थे। श्रमिकों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने और सहायक उद्योगों के विकास के लिए 4 प्रमुख इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। किफायत। जिन क्षेत्रों में किफायत का लाभ उठाने के लिए बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता थी, सार्वजनिक क्षेत्र ने वहां प्रवेश किया। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत ऊर्जा संयंत्र और टेलीफोन उद्योग बड़े स्तर की इकाइयां स्थापित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुछ उदाहरण हैं। आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण पर अंकुश। सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र के उद्यमों के हाथों में आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण पर अंकुश रखता है। बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना करके जिनके लिए भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता थी, जिनकी आय बड़ी संख्या में कर्मचारियों में बढ़ती, सार्वजनिक क्षेत्र ने निजी क्षेत्र के हाथों में शक्ति का संकेंद्रण रोका। आयात प्रतिस्थापन। भारी इंजीनियरिंग उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी से भारत आत्मनिर्भर हो गया और अन्य देशों को वस्तुएं निर्यात और उनसे आयात करने लगा। 1991 के पश्चात सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति नीति। संभावनाओं से भरे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का पुनर्गठन और पुनरुद्धार। जिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन या पुनर्जीवन संभव नहीं है, उन्हें बंद करना। गैर रणनीतिक सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की अंशधारिता 26% तक नीचे लाना। कर्मचारियों के हितों को पूर्ण संरक्षण। भूमंडलीय उपक्रम। परिभाषा। भूमंडलीय उपक्रम, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNC के नाम से जाना जाता है, विशाल निगम होते हैं जिनकी उपस्थिति कई देशों में होती है।
ये विशाल औद्योगिक संगठन होते हैं जो अपना व्यवसायिक कार्य अपनी शाखाओं के तंत्र के माध्यम से विभिन्न देशों में फैलाए हुए होते हैं। भूमंडलीय उपक्रमों की विशेषताएं। भूमंडलीय उपक्रमों के पास भारी मात्रा में वित्तीय संसाधन होता है और वे विभिन्न स्रोतों से धन जुटाने में सक्षम होते हैं। अपनी वित्तीय शक्ति के बूते पर वे किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित रह सकते हैं। वे वस्तुओं के उत्पादन, तकनीक के विक्रय, अंतिम उत्पादों की बिक्री के लिए अपने ब्रांड नेम के उपयोग आदि के आधार पर भारतीय कंपनियों से करार कर लेते हैं। ये कंपनियां वस्तुओं के उत्पादन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करती हैं। उनके पास अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग होते हैं। वे अपनी बिक्री में वृद्धि करने के लिए नवीनतम, अधिक प्रभावी और आक्रामक विपणन नीतियां अपनाते हैं। वे अपनी सभी शाखाओं पर अपने मुख्यालय के माध्यम से नियंत्रण रखते हैं। इनके व्यावसायिक कार्यों का विस्तार इनकी राष्ट्रीय सीमाओं के पार होता है। अपने विशाल आकार के कारण वे बाजार में प्रभुत्वशाली स्थिति रखते हैं। संयुक्त उपक्रम। संयुक्त उपक्रम एक विशिष्ट व्यावसायिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो या अधिक व्यवसायों के बीच विशेषज्ञता और संसाधनों का समुच्चयन है। इस प्रकार व्यवसाय का जोखिम और प्रतिफल भी परस्पर साझा किया जाता है। संयुक्त उपक्रमों को स्थापित करने का प्रमुख कारण व्यवसाय परिचालन का विस्तार, नए उत्पादों का विकास और नए बाजारों में प्रवेश है। संयुक्त उपक्रमों के प्रकार। आमतौर पर दो प्रकार के संयुक्त उपक्रम होते हैं, संविदात्मक उपक्रम और अंशधारिता आधारित उपक्रम। संविदात्मक उपक्रम में एक नई संयुक्त स्वामित्व वाली इकाई का गठन नहीं किया जाता है और व्यावसायिक अनुबंध या साथ मिलकर काम करने का समझौता होता है। संबंधित पक्ष सामूहिक अभिप्राय के साथ कार्य करते हैं। हर संबंधित पक्ष कुछ न कुछ संसाधनों और आदानों का योगदान करता है। हर पक्ष का व्यवसाय पर कुछ नियंत्रण होता है। दूसरी ओर अंशधारिता आधारित संयुक्त उपक्रम में एक अलग व्यावसायिक इकाई की स्थापना की जाती है जिसका स्वामित्व संयुक्त रूप से दो या अधिक पक्षों के पास होता है। अंशधारिता आधारित संयुक्त उपक्रम में मुख्यतः प्रचालक कारक दो या अधिक पक्षों का संयुक्त स्वामित्व होता है। सम्मिलित पक्षों का साझा स्वामित्व प्रबंधन और उत्तरदायित्व होता है। संयुक्त उपक्रमों के उदाहरण। एवीआई ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन गैस लिमिटेड, दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। संयुक्त उपक्रमों का लाभ। संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से व्यवसाय भारी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी अन्य व्यवसाय के साथ हाथ मिलाने से या जुड़ जाने से उपलब्ध विशेषज्ञता और संसाधनों में वृद्धि होती है, जिससे संयुक्त उपक्रम कंपनी को अधिक तेजी से और कुशलता से विकसित होने में सहायता मिलती है। किसी अन्य देश के भागीदार के साथ संयुक्त व्यवसाय में प्रवेश करने से व्यवसाय के लिए एक बड़ा बाजार खुल जाता है। व्यवसायों द्वारा संयुक्त उपक्रमों में प्रवेश करने का एक प्रमुख कारण तकनीक है।
संयुक्त उपक्रम अपने साथ कुछ नवीनतम विचार, प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक विचार लेकर आते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रमों में प्रवेश करते हैं, वे कम उत्पादन लागत से बहुत लाभान्वित होते हैं। संयुक्त उपक्रम में प्रवेश करने से दोनों पक्ष एक दूसरे की ख्याति से लाभान्वित होते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी। परिभाषा। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल कुशल ढंग से निजी और सार्वजनिक भागीदारों के बीच दायित्व, कार्य और जोखिम आवंटित करता है। पीपीपी मॉडल में सार्वजनिक भागीदार सरकारी विभाग, मंत्रालय, राज्य स्वामित्व वाले उपक्रम आदि होते हैं। निजी भागीदारों में वित्तीय और तकनीकी विशेषज्ञता वाले अंतर्राष्ट्रीय या स्थानीय उद्यम सम्मिलित हो सकते हैं। पीपीपी गैर सरकारी संगठन और समुदाय आधारित निगम भी सम्मिलित होते हैं, जिनका हित परियोजना में निहित होता है। इसलिए पीपीपी अवसंरचना और अन्य सेवाओं के परिवेश में निजी और सरकारी संस्थाओं के बीच संबंध हैं। पीपीपी की विशेषताएं। सार्वजनिक सुविधा डिजाइन और निर्मित करने के लिए निजी संगठन के साथ समझौता। सुविधा का वित्त पोषण सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन करता है। मुख्य शक्ति डिजाइन और निर्माण जोखिमों का आवंटन है। पीपीपी के लाभ। योजना और निर्माण के खतरों का स्थानांतरण। तेजी से परियोजना पूरी होने की संभावना। पीपीपी की हानियां। दोनों पक्षों के बीच पर्यावरण की चिंताओं को लेकर मतभेद उभर सकते हैं। निजी वित्त को ये सरलता से आकर्षित नहीं करता है। सारांश। इस मॉड्यूल में हमने जो कुछ सीखा है, आइए उसे संक्षेप में समझें। अर्थव्यवस्था को दो विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है, निजी और सार्वजनिक। कई प्रकार के व्यावसायिक संगठन और संस्थाएं हैं। उनमें से कुछ छोटे स्तर के हैं और कुछ बड़े स्तर पर कार्य करते हैं। कुछ का स्वामित्व निजी हाथों में होता है और वहीं कुछ भारत के स्वामित्व में है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही सम्मिलित हैं, इसलिए ये मिश्रित अर्थव्यवस्था बन जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र में सम्मिलित संगठन तीन प्रकार के हैं, विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम और सरकारी कंपनियां। विभागीय उपक्रम मंत्रालय के विभागों का भाग या विस्तार होते हैं। इनका संचालन भारत सरकार करती है। वैधानिक निगम वो सार्वजनिक उपक्रम है जिनका गठन संसद के विशेष अधिनियम द्वारा किया जाता है। सरकार की शक्ति से लैस वैधानिक निगमों में निजी उद्यमों का लचीलापन होता है। सरकारी कंपनी की स्थापना अपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत की जाती है। चुकता पूंजी का 51% केंद्रीय या राज्य सरकार के स्वामित्व में होता है। स्वतंत्रता के पश्चात से ही सार्वजनिक क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्रिय भूमिका निभाई है। भूमंडलीय उपक्रमों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNC के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी उपस्थिति विभिन्न देशों में होती है। संयुक्त उपक्रम दो या अधिक व्यवसायों के बीच एक विशिष्ट व्यावसायिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशेषज्ञता और संसाधनों का समुच्चयन है। इस प्रकार व्यवसाय के प्रतिफल और जोखिम में भी सहभागिता होती है। संयुक्त उपक्रमों के बनने के प्राथमिक कारणों में संचालन का विस्तार, नए उत्पादों का विकास और नए बाजारों में प्रवेश है।
दो प्रकार के संयुक्त उपक्रम होते हैं, संविदात्मक संयुक्त उपक्रम और अंशधारिता आधारित संयुक्त उपक्रम। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल में कुशल ढंग से दायित्वों, कार्यों और जोखिमों का निजी और सार्वजनिक भागीदारों में आवंटन होता है। पीपीपी मॉडल में सार्वजनिक भागीदारों में सरकारी विभाग, मंत्रालय, राज्य के स्वामित्व वाले संगठन आदि सम्मिलित हैं।